मलाई सिर्फ जनाब के हिस्से में आनी चाहिए और बाकी सब चीज़ें बाकी लोगों के लिए और कब तक जो है रोज आप अख्तियारी अफ्तारी दिखाते रहोगे तीन तीन बार उसी चीज़ को दिखाते रहोगे आज की चर्चा में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि कैसे ये अपने रमजान व्लॉग बनाते हैं और रोज के रोज वही सब चीज़ें दिखाते हैं जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे उनको अच्छी अच्छी वीडियो लगातार मिलती रहे आप अपने कमेंट इंस्टा पे भी कर सकते हैं यही सेम नेम से हमारा वहाँ पर भी अकाउंट है ये बात करते हैं रमज़ान की रेसिपी पे यानी रमज़ान की रेसिपी का मतलब ये है कि रमज़ान के जो व्लॉग होते हैं उनकी रेसिपी क्या होती है उनकी रेसिपी ये होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अफ्तारी दिखानी है और जो है सहरी दिखानी है उसकी प्रिपरेशन दिखानी है और तब भी कुछ करने को बैठो तो अब शॉपिंग करने के लिए निकल जाओ कि भैया आप मेरे को धनिया लाना है अब मेरे को बेसन लाना है अब मेरे को सूजी लानी है अब मेरे को हलवा लाना है मेरे को फलाना लाना है सब चीज़ें जो है ना हाथ के हाथ ही वो जाएंगे और जाकर दिखाएंगे थोड़ी देर बच्चे को खिलाकर दिखा देंगे बस ये इनका ब्लॉग बन जाता है और मैडम मैडम के नाम पर तो रेसिपी चढ़ी हुई है तो वो कोई ना कोई रेसिपी जो बनाकर दिखा देंगी रेसिपी बनाने के लिए तो आपको ये रमज़ान के महीने का यही सब मिला है और जो रेसिपी आप जो बनाते हो वो कितनी रिलेवेंट हैं इतने सारे जो है रेसिपी चैनल्स हैं अगर आप उन पर डालकर देखिए बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने खास रमजान के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ वहाँ पे अपलोड की हुई हैं जो आसान भी हैं और वो इफ्तियारी के लिए कौन सी चाहिए और जो शहरी के लिए कौन सी चाहिए इस तरह की वहाँ मिल जाएंगी और वहाँ पूरे इन्ग्रेडियंट के साथ में प्रॉपर तरीके से एक प्रूवड आपको रेसिपी मिलेगी मैडम है कि टाइम पास करने के लिए आ जाती हैं लोगों को स... और लोग हैं कि लोग जो है ना उसके बाद में एंगेजमेंट पर लग जाते हैं जहाँ उन्होंने ये कह दिया अच्छा आप बताइए आप ये कैसे बनाते हैं पूरे कमेंट्स उसके लिए भर जाते हैं बात करते हैं जनाब की व्लॉग आया है उनका और उस व्लॉग के अंदर जो है अख्तियारी दिखाई है उन्होंने और जो अख्तियारी दिखाई है वो तीनों व्लॉगर दिखाएंगे मैडम ने भी उसी अख्तियारी का अपना डाला था व्लॉग लेकिन उनके हिस्से में क्या आएगा रेसिपी आई है वो जो है ब्लॉग में पूरा पूरा उन्होंने कवर नहीं किया तो जनाब उसको पूरा कवर कर रहे हैं अब जो तीसरा व्लॉग आएगा वो वो डब्बा का आएगा डब्बा भी उसी व्लाग के जो है शॉर्ट्स दिखाएगी अब डेली तैयारी देखते देखते पक गए हैं कुछ और नहीं है क्या आप अगर रोज़ के रोज़ व्लॉग डाल रहे हो तो फिर कुछ नयापन तो होना चाहिए ना और फिर किसने कहा कि रमज़ान में रोज़ व्लॉग आना जरूरी है क्या आप गिनती कर रहे हो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया रमज़ान का महीना होता है इबादत का महीना होता है इस साल में अकेला ऐसा महीना होता है कि जिसके अंदर अगर इबादत करते हैं हम तो हमारी इबादत का जो स्वभाव है अल्लाह पाक उसको सत्तर गुना ज्यादा देता है तो ये महीना सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए हम जाना जाता है और इसमें इबादत करते हुए इतना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है और ये सुकून अपना कहाँ ढूंढ रहे हैं सिर्फ खाने में ढूँढ रहे हैं वही अच्छा मीनू तक नहीं बदलता है वही पकौड़ियाँ होंगी वही चने होंगे वही पापड़ होगा वही कुछ फ्रूट्स होंगे और कोई एक डिश कोई बदल जाती है वो चाहे वो ब्रेड पकौड़े बनकर आ जाएं वो चाहे वो चिकन वाले बनकर आ जाएं या कुछ और बनकर आ जाए लेकिन रेसिपी पूरी पूरी यही रहती है रोज क्या दिखा रहे हो यार देख देख के तो बोर हो गए हैं बिल्कुल जो दिखा रहे हो वो रोज के रोज वही अख्तियारी वही अख्तियारी एक और नोट करने वाला पॉइंट है कि घर में अखतियारी होती है इतने सारे लोग घर के आते हैं और पूरा दिखाते हैं कि हम साथ साथ जो है अख्तियारी करते हैं ये सब चीज़ करते हैं लेकिन वो जो बच्चा है ना बच्चा की मजा लेके किसी के गोद में चला जाए या कोई खिला ले मतलब वो जनाब के पास होगा या मैडम के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा अख्तियारी और इस सब के पूरे टाइम पे जबकि देखा जाए तो ये होता है कि जब घर के अंदर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो घर वाले लोग तो उनकी आव भगत में और उनके काम में इन सब में बिज़ी हो जाते हैं कि कैसे करके उनको बेटर फील कराया जाए और कैसे करके इस इवेंट को अच्छा बनाया जाए उनको खुश किया जाए बच्चा जो होता है जो आए गए होते हैं यानी कि जो आए गए के आई तो अपने घर के हैं दादी है बुआ है और चाचा है और एक और, एक और और बुआ है छोटी बुआ भी है मतलब सारे लोग हैं दादा दादी सब कुछ हैं लेकिन वो बच्चा जो है किसी के पास नहीं जाएगा और ना कोई खिलाएगा बड़ा अजीब सा है लगता है इनका घर टोटली हर चीज जो है इनकी इतनी अजीब लगती है कि नॉर्मल लगती ही नहीं है अगर और कोई घर होता तो बच्चा जो जरूर एक हाथ से दूसरे हाथ दूसरे हाथ से तीसरे हाथ और दो दो लोग मिलके उसे खिला रहे होते बात कर रहे होते लेकिन यहाँ पे ये यह बच्चा ऐसा है जैसे कि पड़ोसी का बच्चा हो जिसको कि हमने अभी देखा है या कभी कभी देखते हैं तो इसलिए उतनी ही बात करेंगे उससे हेलो हाई सी करेंगे बस क्या मैडम का कानून इतना ज़्यादा चलता है इतना ज़्यादा वो होता है कि बस वो सिर्फ उन दोनों के अलावा और सिर्फ और सिर्फ उसकी नैनी के पास रहेगा भैया कुछ देर उस नैनी को भी आराम मिल जाएगा आप मतलब किस तरह से मतलब आपको क्या डर है भैया मैडम आपको ये बच्चा क्या चुरा के ले जाएंगे क्या कर ले इतने ज़्यादा जो पन बनना अच्छी बात नहीं अब मैडम जो है अफ्तियारी के टाइम पे एक पानी का गिलास जो है इधर से उधर कर रही हैं इसका हम इस स्क्रीनशॉट पर लगा रहे हैं तो देखो जरा मैडम ने किस तरह से वो गिलास उठाया हुआ है अगर इसी तरीके से कोई और गिलास उठा ले तो मैडम जो है ना उसको पचास बातें सुना देंगी और इतना लंबा लेक्चर दे देंगी हाइजीन की वजह से तो वो नानी है लेकिन उसके बाद में भी खुद जो है गिलास उठाने का तरीका देखिए जरा इनका जनाब याद करें कि तेहरे चौदह साल पहले इसी दिन वो लोग जो है फर्स्ट टाइम सेट पर मिले थे यानी जनाब और मैडम जो है ना वो एस एस के जो था उसके सेट पर मिले थे फर्स्ट टाइम मिले थे तो वहाँ पर जो है बात करते हैं कि भाई आप बताओ तो वो मैडम तो मैडम है तो मैडम तो शुरू हो जाएंगी तो मैडम का कहना ये है जब पहली बार उन्होंने देखा तो उनको लगा कि जनाब जो है ना डाउन टू द अर्थ अर्थ हैं और सोवर हैं और मतलब बड़े लाइकली अच्छे दिखाई देते हैं और उनका पुराना वाला सीरियल भी उन्होंने देखा था तो मैडम ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है और यो कह रहे हैं कि उस दिन ही जो है तेरी मम्मी ने मेरे को फंसा लिया ये बिल्कुल एग्जैक्टली हंड्रेड परसेंट आज पहली बार इन्होंने सही बात कही ये ये देखा जाए तो ये नहीं है कि जनाब ने उसको फंसाया मैडम ने उसको फंसाया था और मैडम जो है बहुत चालबाजी के साथ में बहुत बहुत ही चतुर हैं बहुत ही सियानी है बड़े तरीके से उन्होंने ये ये काम किया और धीरे धीरे करके पूरी फैमिली पर कब्ज़ा किया पहले उनको अपना पैसा और इन सब के हिसाब से किया और उनको अपने घर में ही मतलब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था तो अपने घर में ही पहले फ़्लैट में जगह दी और फ्लैट में ही आ गई और फिर जब जो है वो उसने अपनी मम्मी और बाकी लोगों को बुलाया तो उनको एक किराए का फ्लैट लेकर दे दिया ये सारा का सारा काम मैडम ने किया था और शादी से पहले भी यही जो अब रोजे रख रहे हैं ये सब कर रहे हैं दोनों के दोनों लिविंग में वहाँ पर रहते थे और उसके बाद में ये फैमिली वहाँ पर अटैच हुई थी और इसके बाद में भी जनाब जो है वहाँ शादी करने को तैयार नहीं थे तो फिर जो है मैडम की जो मम्मी है ना ये उन्होंने रोल अपना अदा किया और उसके बाद में इनकी शादी पॉसिबल हो सकी वरना तो ये जनाब जो है ना इन सब के मजे लेने के बाद में भी शादी करने को तैयार नहीं थे तो एक तरह से देखा जाए तो मैडम बहुत चतुर चालाक हैं और मतलब जहाँ मैडम की सोच जो है ना मतलब कहाँ से शुरू होती है जहाँ जनाब की सोच खत्म हो जाती है ना वहाँ तो उसकी सोच शुरू होती है और वो उसे पता भी नहीं है कि वो किस तरीके से क्या क्या, क्या चीज़ें प्लान करती है कैसे करती है अभी कुछ दिन पहले जनाब से कुछ लोगों ने सवाल किए थे मतलब तो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं कि वो बाइक कहाँ है जो जिसकी बाइक को ये बहुत ज़्यादा दिखा आज जनाब ने बाइक निकाल के भी दिखा दी उस पर कपड़ा मार के दिखा दिया एक राउंड लेकर दिखा दिया कि हाँ वो बाइक मेरे पास है और अब भी है वो बात दूसरी की आप कभी उस पर वो दिखाई नहीं देते हैं सिवाय गाड़ी के वहाँ कहीं और दिखाई नहीं देते हैं अच्छा एक बात और नोट कीजिए कि रमज़ान का टाइम महीना चल रहा है सारा दिन रमज़ान रखने के बाद में शाम को अब करते हैं तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो लगता है और उस टाइम पे जनाब जो है क्या कह रहे हैं कि हमें को जिम करने के लिए जाना है मतलब रमज़ान के महीने में बजाय इसके के तराबी के लिए जाएं वो जो जिम जाना चाहते हैं और पाँच महीने में पहली बार पहली बार उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और वो भी किस में तोड़ा है अल्लाह के रमजान के महीने में अल्लाह के बंदे कम से कम इस एक महीने तो और इबादत कर ले और उसके बाद में फिर जो है जिम कर लेना या कुछ भी कर लेना जो भी करना वो कर लेना लेकिन जो वक्त जो इबादत का है वो तो इबादत में लगाओ ये महीना कोई दोबारा तो आएगा नहीं जैसा कि हमने कहा कि इस महीने में जो इबादत की जाती है उसका सत्तर गुना अल्लाह जो है उसका सवाब देता है पता नहीं कैसे मुसलमान हैं ये मतलब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जो हैं जो मतलब जनाब भी चीज़ें चीज़ें करते रहते हैं तो जो वो पूरा करते ही नहीं हैं जो कि रमज़ान की बहुत ज़रूरी जरूरी बातें हैं उन सब को तो नज़रअंदाज़ किया हुआ है इन्होंने किए ये कि ये जो इतना बातें करते हैं आजकल जनाब की जो ड्रेस देखोगे ना आप वो सर पे साफ़ा हमेशा रहेगा वो बिल्कुल उतर नहीं सकता जब तक ब्लॉग बनेगा और कुर्ता पजामे में दिखाई देंगे वो आपको लगता है कि सारे दिन ये इसी ड्रेस में इसी तरीके से रह अपने घर में रहते हैं नहीं रहते होंगे ये नॉर्मल बन के क्यों नहीं दिखाते नॉर्मल आदमी जैसे रहता है वैसे रहना चाहिए अब दिए वहाँ पर गए थे दुबई गए थे क्या आपने वहाँ पर एक दिन भी देखा चाहे वो होटल का शॉट हो या फिर जो बाहर घूमने का शौक हो तो वहाँ दुबई गए थे जहाँ इतने शेख और ये सब लोग रहते हैं वहाँ पर भी ऐसे ड्रेस में घूमते ना तब हम मानते हैं कि हाँ आप वाकई में जो है इन चीज़ों को एडमायर करते हो पुरानी चीज़ों के शौकीन हो और अपनी जो ड्रेस है उसका अदब करते हो सिर्फ़ भोले भाले व्यूवर्स को ललचाने के लिए आप ये दिखाते हो कि हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं मतलब कुल मिला के ये है कि झूठ और झूठ के अलावा और कुछ नहीं अब क्योंकि डब्बा ने अपने नमाज रूम का टूर दिया है तो भैया मैडम कैसे पीछे रह सकती हैं अब मैडम ख़ुद तो टूर दे नहीं सकती अगर मैडम खुद टूर देती तो लोग बस सवाल करना शुरू करते थे कि आप कब नमाज़ पढ़ती हो हमने तो आपको नमाज़ पढ़ते देखा नहीं तो जनाब से वो जो टूर दिलवाया है ये जवाब है डब्बा के ब्लॉक का कि हमारे पास भी नमाज रूम है और ये है इससे पहले आपने कभी देखा इससे पहले तो आपने कभी नहीं देखा होगा रमजान भी शुरू हो गए सब कुछ हो गया ना उसका ये दिखाया कि हमने इसकी भी साफ़ सफ़ाई कर ली और ये कर लिया वो कर लिया कुछ नहीं दिखाया बस अब इन्हें क्यों ध्यान आया इसलिए ध्यान आया क्योंकि डब्बा ने दिखाया है तो इन्हें दिखाना बनता है अब चिकन के ब्रेड पकोड़े आपने देख लिए एक नॉर्मल सी डिश है जो कि ब्रेड पकोड़े सब घरों में बनते हैं उसमें स्टफिंग के लिए लोग बाग आलू भर देते हैं कभी सब्ज़ी भर देते हैं इन्होंने उसमें चिकन डाल दिया और हो सकता है कि लोग बाग कुछ पनीर की भी स्टफिंग करते हैं तो ये एक नॉर्मल और वो बड़ी बड़ी जो हमारी कुक है ना डब्बा वो बना के लाइए ब्रेड रोल अब दोनों को टेस्ट करने की बारी हो रही है तो मैडम तो पहले से कह रही हैं मे कि मेरा तो ये ख़राब हो गया था इसलिए मुस्कुरा रहे हैं और डब्बा तपाक से कहती है और मेरा तो हमेशा ही ख़राब हो जाता है मतलब जो मान बैठी है इस बात को कि वो सिर्फ और सिर्फ ख़राब चीज़ें बनाती हैं तो क्या कर सकता है बत्तीस साल की औरत हो चुकी है अगर बच्चे होते इसके पर जो बच्चे इस टाइम में इतने बड़े हो जाते आठ दस साल के हो जाते वो सीखते और क्या सिखाते और बात इनके व्यूवर्स से कहना चाहता हूँ कि वो इसमें क्या देखते हैं ऐसा मतलब बत्तीस साल की औरत को घर के काम ठीक से करना या खाना बनाना या घर की किचन की चीज़ें करना या फिर सफाई करना ये कोई सीखने वाली और बताने वाली बात है इतने साल की उम्र की औरत को तो दस बातें और लोग बाग सुना देते हैं अगर किसी परिवार में चली जाए तो हम पहली बार व्लॉग तैयार हुई दिखाई दे कह दे रही हैं ये उन्हें भी जो व्यूज़ आ रहे हैं ना उसकी वजह से ख्याल आ गया होगा और हाँ एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कह रहे हैं कि रमज़ान के महीने में लोग बाग जो है ना मोटे हो जाते हैं भैया मोटे क्यों नहीं होंगे मोटे आकर इसलिए होंगे कि आप रात अफ सॉरी सहरी गई और सहरी के बाद में सो गए दो तो बजे आपका उठना होता है नमाज़ पढ़ते हो उसके बाद में तैयारी लग जाते हो तैयारी की यानी कुल मिला के दो बजे से लेकर कर छः बजे तक यानी लगभग चार घंटे का आप रोज़ा रख रहे हो और उसके बाद में भी फिर तेल और भुना हुआ इतने सब चीज़ें फ्रैड चीज़ें बैठ के खा रहे हो तो मतलब खा के और खा रहे हो बीच में सिर्फ चार घंटे निकले हैं जब अगर आपने नींद नहीं ली है और आपका जो मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है और आपको एनर्जी की जरूरत है बॉडी को लेकिन ये सब करने के बाद में वो जो खा रहे हो पी रहे हो वो कहाँ जाएगा वो मोटा नहीं करेगा तो और क्या होगा रोजा जो रखना बताया गया है वो बताया गया सारे काम करने के बाद में ऐसे कोई घर पे नहीं बैठता है आप तो सारे सारे टोटल घर पे बैठे हुए हो जब घर पे बैठे हुए हो तो खाओगे और रहोगे सोओगे तो फिर होगा क्या और उसमें भी रमज़ान के नाम से और ज़्यादा खाओगे तला हुआ खाओगे भुना हुआ खाओगे सब चीज़ें ऐसी खाओगे दूध मलाई ये सब चीज़ें खाओगे जब कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा और सिर्फ खाना ही खाना होगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा और उसके ऊपर भी आप रमजान को बदनाम कर रहे हैं कि रमज़ान में जो है मोटे हो जाते हैं यही तो वो चीज़ें हैं जो हम बार बार कहना चाहते हैं कि आप लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हो गलत इंटरप्रेट कर रहे हो कि रमज़ान का महीना कैसे होता है चलिए बहुत खाना पीना हो गया मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए खुश रहिए अपने लोगों का ख्याल रखिए थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया